सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली एक और न्यू वीडियो में। तो थंबनेल देखकर तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, बीजीएमआई वापस से अनबैन हो चुका है और ये वापस से प्ले स्टोर और एप्पल आईओएस स्टोर पर शो होने लगा है। मुझे पता है दोस्तों, आप सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही है, तो इसलिए सबसे पहले बिना कुछ बोले आपको मैं प्ले स्टोर पर सर्च करके दिखा देता हूँ कि BGMI सच में वापस आया है या नहीं आया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हाँ ये कर लो पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लिया और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे सर्च बार में ऊपर सर्च करूँगा BGMI। आप चाहें तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भी सर्च कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने BGMI टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद दोस्तों हमारे स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हमारा यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन आ गया, इसे हम चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ से हम प्ले भी कर सकते हैं। तो यह हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए हमें डायरेक्ट प्ले का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे प्ले के जगह पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ से आप BGMI को बहुत ही सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर पाओगे। एंड गाइस, अगर आपके डिवाइस में अभी भी BGMI इंस्टॉल का ऑप्शन या फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐप शो नहीं हो रहा है आपके प्ले स्टोर में, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आपको आ जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में और मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद आपको प्ले स्टोर वाले ऐप में आ जाना है और यहाँ से आपको प्ले स्टोर का क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। एक बार यहाँ से प्ले स्टोर का क्लियर ऑल डाटा करने के बाद आपका जो प्ले स्टोर की सेटिंग्स से पुरानी वाली वो सारी रिसेट हो जाती है और न्यू सेटिंग्स अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से क्लियर ऑल डाटा करने के बाद दोस्तों अब आपको दोबारा से प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ से आपको सर्च करके चेक कर लेना है कि BGMI ऐप दोबारा से यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर ये वाला स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपके प्ले स्टोर में अगर BGMI वाला ऐप शो नहीं होता है दोस्तों, तो आपको पैनिक नहीं होना है। प्ले स्टोर में ऊपर जो राइट साइड में आपकी प्रोफाइल शो हो रही है उस पर टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे से आपको जो नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप कर देना है। और इस पर टैप करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है फैमिली, तो आपको इस फैमिली वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और इस पर टैप करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पेरेंटल कंट्रोल वाला ऑप्शन है ये सभी के डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो यहाँ से इसको आपको ऑन कर लेना है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे एक पिन डालना पड़ेगा 1234, तो आप लोग भी एज इट इज़ 1234 यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1234 टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ऐप्स एंड गेम्स वाला, इस पर टैप कर देना है और इस पर टैप करने के बाद रेटेड फॉर 12M को सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद सेव कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है और बाकी का 20% प्रोसेस आपको मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद अब मैं बैक आ जाता हूँ, मेन स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अब मेन स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है और फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद ऊपर सर्च बार में आपको सर्च करना है DNS। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है DNS और फिर प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन में आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद ये सभी के डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑफ रहता है, तो इसको आपको ऑन कर देना है। डिजाइनेटेड प्राइवेट DNS पे इसको क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाई का, तो मॉडिफाई DNS वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। और मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो मैसेज टाइप करूँगा ये आपको एज इट इज़ सेम टू सेम अपने डिवाइस में कॉपी कर लेना है और आप सबको भी ऐसे ही सेम टू सेम अपने डिवाइस में टाइप कर लेना है। तो दोस्तों मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सभी के सभी स्मॉल लेटर में, वो भी विदाउट स्पेस, बिना किसी स्पेस के आपको यहाँ पर टाइप करना है DNS.Google। ध्यान से सुनिए,
dns.google, और यहाँ पे इसको टाइप करने के बाद इसको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है, और जो बाकी का 10% वर्क है दोस्तों, इसके लिए आपको आ जाना है मेन स्क्रीन पे, और मेन स्क्रीन पे आने के बाद आपको गूगल या फिर क्रोम कुछ भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, और गूगल ओपन करने के बाद BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे मैंने सर्च किया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो आप भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से सर्च करना, और सर्च करने के बाद जो आपके स्क्रीन पे जो पहली लिंक आएगी, जो पहला कंटेंट आपके स्क्रीन पे ऊपर शो होगा ना, उस पर ही टैप करना है। नीचे दिए गए किसी भी अदर लिंक या फिर कंटेंट पे टैप नहीं करना है। तो जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है, मैंने उस पर टैप कर दिया, और उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे हमारी BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, एक iOS से BGMI को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा प्ले स्टोर से आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसमें प्ले स्टोर है, तो मैं प्ले स्टोर ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। इसको टैप करने के बाद डायरेक्टली हमारा प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाता है, और यहाँ से हम BGMI के मेन स्क्रीन पर मेन पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दिखता है जहाँ से हम BGMI को अनइंस्टॉल या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे डिवाइस में यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, पहले से ही BGMI ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ रहा है। सो गाइस, हमारा जो BGMI ऐप है वो कहीं नहीं गया है, ये प्ले स्टोर पर ही है। बस कुछ इशूज़ की वजह से इसको प्ले स्टोर से निकाल दिया गया था, बट ये दोबारा से अब प्ले स्टोर में ऐड कर दिया गया है। तो आप ये सारी प्रोसेस, सारी मेथड फॉलो करके बहुत ही ईजी तरीके से, इसको बिल्कुल सेफ तरीके से यहाँ से प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। अब अगर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपके प्ले स्टोर आईडी में BGMI ऐप शो नहीं होता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करना है। अब रिस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे जो ओल्ड सेटिंग्स है फ़ोन के, वो सारे रिसेट हो जाते हैं, और जो न्यू सेटिंग्स है वो सारे अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट करने के बाद जब आप दोबारा से अपने प्ले स्टोर ऐप में जाओगे, तो आई होप गाइस आपको 100% वहाँ पे BGMI ऐप दोबारा से शो होने लगेगा। एंड हाँ गाइस, BGMI का जो 2.4 वाला अपडेट है वो आपको पहले की तरह ही प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ ही दिनों में मिलना शुरू होने वाला है। तो BGMI के 2.4 वाले अपडेट को लेने के लिए आप सभी को एक बार प्ले स्टोर वाले ऐप में जाकर जरूर चेक कर लेना है कि अभी तक आपके डिवाइस में BGMI का 2.4 वाला अपडेट आया है या नहीं आया है। एंड हाँ गाइस, जिनको BGMI के 2.4 वाले अपडेट शो नहीं हो रहे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ।